डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना जरूरी होता है। इसमें इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, या तो कम बनता है या फिर हमारा शरीर उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। डाइट आपके डायबिटीज मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, क्योंकि जो भी आप खाते पीते हैं वो सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल पर असर डालता है। इस वीडियो में हम 6 ऐसी चीजों को जानेंगे जिसके इस्तेमाल से आपके ब्लड शुगर लेवल पर कोई खास असर नहीं होगा और आप डायबिटीज में भी इन चीजों का इस्तेमाल बेफिक्र कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब एक एक करके उन चीजों की बात करेंगे जो डायबिटीज के पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकती हैं और इसके कंजम्पशन से ब्लड शुगर लेवल पर कोई निगेटिव असर नहीं होता। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल का ग्लाइसमिक इंडेक्स लो होता है, मतलब जब आप इन्हें खाते हैं तो उनका डाइजेशन स्लो होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखने में मददगार होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है और इसके साथ विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस से बचाने में मदद करते हैं। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, बैंगन, मूली और टमाटर जैसी सब्जियां आती हैं। होल ग्रेन्स डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। लो ग्लाइसमिक इंडेक्स में आने के साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्लो रिलीज होते हैं और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखते हैं। होल ग्रेन्स में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ऑलिव ऑयल्स भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट होते हैं, स्पेशली ऑलिक एसिड्स, जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव कर सकता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। ऑलिव ऑयल्स का ग्लाइसमिक इंडेक्स 0 होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। लेग्यूम्स जैसे मसूर की दाल, चने और बीन्स डायबिटीज के पेशेंट के लिए फायदेमंद होते हैं। लेग्यूम्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। लेग्यूम्स काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं और आप इन्हें अलग अलग तरह से प्रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दाल, सलाद, सूप और करीज। अंडे डायबिटीज के पेशेंट के लिए सेफ और फायदेमंद माने जाते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके शुगर लेवल पर कोई निगेटिव असर देखने को नहीं मिलता। एग्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है। एग्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे शुगर लेवल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। अंडे में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, कोलिन और सेलेनियम, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नट्स जैसे आलमंड्स, वॉलनट्स भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स के साथ साथ हाई फाइबर भी होते हैं और इनका ग्लाइसमिक इंडेक्स भी लो होता है। नट्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं और इसमें विटामिन्स जैसे विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। नट्स में कैलोरीज की मात्रा कम होती है, जिससे वेट मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। अगर आप वीडियो में बताए गए इन चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। किसी भी चीज़ से एलर्जी होने पर उसके इस्तेमाल से बचें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़े किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।